देश भर में वर्षों से पदोन्नति को तरस गए अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नत होने के बाद देशभक्ति जनसेवा की तर्ज पर 2 दिवसीय इंडक्शन कोर्स का शिविर आयोजन किया गया, जिसमें पदोन्नत कर्मियों को अपराध से जुड़े हुए कई पहलुओं की जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षण किया गया कि उन्हें समाज में चल रही असामाजिक गतिविधियों पर किस तरह काम करना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि क्रिमिनलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाकर महकमे को असामाजिक गतिविधियों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे बढ़ते अपराधों पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। और आपने सीख भी दी सर हमको अच्छा कार्य करने में। ये हाल में ही जो अभी आरक्षकों को पदोन्नत करके कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के तौर पे जो किया गया है, तो उसी के चलते उनका एक इंडक्शन कोर्स 2 दिवस का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आने वाले समय में जो जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन करना है, तो उसमें उनके द्वारा किन किन विषयों में क्या क्या उनको चीज़ों की आवश्यकता लगेगी, जो विभिन्न हमारे लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, और फॉरेंसिक से रिलेटेड है, और क्राउड मैनेजमेंट है, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आज अगले 2 दिन में, आज और कल में हमने इसमें कवर किया है। उसमें अलग अलग जो विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, फॉरेंसिक के डॉक्टर्स हैं, ADPOs हैं, DPOs हैं, ये जो भी लोग हैं वो इनकी क्लासेस लेंगे और इनको इसके संबंध में बताएंगे, जिससे आने वाले समय में ये अपना कार्य जो है वो अच्छे से उसको समझ के। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।